हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यू कैन से जीन इंटरेक्शन, एंड इन दैट जीन इंटरेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द टू काइंड ऑफ द जीन इंटरेक्शंस। क्या पढ़ा था हमने बच्चों लास्ट टाइम? जीन इंटरेक्शन हमने किया था, और जो जीन इंटरेक्शन हमने दो तरह की बताई थी आपके पास, एक होता है इंटर अलीलिक, और यू कैन से इसको बोल सकते हैं इंट्रा जेनिक इंटरेक्शन, इंटर अलीलिक और इंट्रा जेनिक इंटरेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। इसमें हम स्टडी कर चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस का केस हम स्टडी कर चुके हैं, मल्टीपल अलील्स हम इसमें स्टडी कर चुके हैं, और एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचता है जिसको हम बोलते हैं लीथल जीन्स। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो काइंड हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पर करेंगे, दैट इज नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। जिसमें हम बच्चों स्टडी करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी इंटरेक्शंस होती है जिसे हम एपिस्टासिस बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहेगा लीथल जीन्स। सो लेट अस बिगिंस विद द टॉपिक लीथल जीन्स। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि लीथल जीन है क्या। लीथल का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है ना। तो ये हार्मफुल जीन्स होते हैं, एंड दे कैन बी डिफाइंड एज द जीन हुज फिनोटिपिक इफेक्ट इज सफिशेंटली यू कैन से ड्रास्टिक टू किल द बियर। क्यों? वो जिस बियरर मीन्स जिस पर्सन के अंदर प्रेजेंट होगा, और वहाँ पर जो वो फिनोटिपिक या फिनोटाइप अपना दिखाता है, इट इज़ सफिशेंटली किल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जो लीथल जीन्स हैं, It can be defined as the genes whose phenotypic effect is sufficiently ड्रास्टिक, ठीक है ना। ड्रास्टिक मीन्स खतरनाक, ड्रास्टिक टू किल द बियर, जिसके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगा उस पर्सन को ये मार देता है। फिर अगर हम इसके सेग्रीगेशन की बात करें, तो यहाँ सेग्रीगेशन रेशियो मॉडिफाइड टू 2.2:1, द नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो मॉडिफाइड टू 2:1 रेशियो, कि जब ये सेग्रीगेशन होगा तो 2:1 रेशियो में इसके जीन का सेग्रीगेशन होता है। तो अब बात करते हैं कि जो टाइप्स हैं, एक्चुअली दीज लीथल जीन्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, ये तीन तरह के होते हैं types, these are of three types. सबसे पहला टाइप हम इसमें स्टडी करेंगे डोमिनेंट लीथल जीन्स,
ठीक है। दूसरा हम इसमें स्टडी करेंगे रिसेसिव लीथल जीन्स, और तीसरा हम इसमें स्टडी करेंगे कंडीशनल लीथल जीन्स। सो दीज आर द थ्री काइंड्स, लेट अस डिस्कस दीज काइंड्स इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज ए डोमिनेंट लीथल जीन्स। देखिए जो बच्चों डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं, दीज आर यू कैन से लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस आप समझते हैं कि जब एक ही तरह का जीन प्रेजेंट होगा, एक ही तरह का अलील वहां पर प्रेजेंट होगा, तो यहां पर जो डोमिनेंट लीथल जीन्स होंगे, डोमिनेंट लीथल जीन्स आर दो जीन्स, ठीक है ना, विच आर यू कैन से, और यू कैन से विच आर लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। लीथल मीन्स कि जिसके अंदर ये प्रेजेंट हो गए होमोजाइगस कंडीशन में, दैट पर्सन कैन नॉट बी सर्वाइव। दूसरा फिर क्या होगा कि जो डोमिनेंट लीथल जीन्स हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। डोमिनेंट लीथल जीन्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कि इनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, इसका रीजन है बिकॉज जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होंगे होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो क्या होंगे, वो उसी टाइम मर जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज द इंडिविजुअल कैरिंग दीज जीन्स, बिकॉज इंडिविजुअल कैरिंग दीज जीन्स डाई, वो मर जाते हैं, ठीक है ना, यू कैन से दे डाई। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बच्चों क्या होगा, ये सेम यू कैन से होमोजाइगस कंडीशन वहां पर रहती है, ठीक है ना, दे लॉस्ट इन द डाई एंड दे लॉस्ट इन द सेम जनरेशन, कि जिस इंडिविजुअल के अंदर आए वो इंडिविजुअली मर गया, इसका मतलब वो जनरेशन उसी टाइम खत्म हो जाएगी और ये जीन भी उसी टाइम में खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो जीन्स होंगे उनको हम कहते हैं लीथल जीन्स, ठीक है ना। अब जरा एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से होंगे हमारे पास जो हम अपने आसपास या जो हम स्टडी करेंगे। पहला एग्जांपल है लीथल जीन्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय यू कैन से क्यूनॉट, द लीथल जीन्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है क्यूनॉट, क्या नाम है, क्यूनॉट इन 1905, क्यूनॉट इन 1905, ठीक है ना, इन माउस बॉडी कलर, किसमें देखा, इन माउस बॉडी कलर, कि ये जो माउस का बॉडी कलर है ये एक नॉर्मल फिनोटाइप नहीं था, ये एबनॉर्मल था, ठीक है ना, विच किल दैट पर्टिकुलर माउस, ठीक है ना। और इसमें जो बहुत और भी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हम देखते ना ब्रैकी फेलेंजी, दूसरा एग्जांपल है ब्रैकी फेलेंजी,
फलेंजी का मतलब होता है फिंगर्स, ठीक है ना। तो जिनके अंदर ये ब्रैकी फलेंजी होगा, जिनकी शॉर्ट फिंगर्स होंगी, ठीक है ना, इन ह्यूमंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट फिंगर्स इन ह्यूमंस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसके लीथल जीन के, जो कि डोमिनेंट है, लेकिन ये आगे कैरी नहीं होते, बिकॉज इसमें जिसके अंदर भी आ गए हैं वो पर्सन उसी जनरेशन में मर जाता है। फिर इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल अनीमिया की जो आरबीसीज हैं हमारी वो सिकल शेप हो जाती है। इट इज़ सीन इन द यू कैन से सम पर्संस, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर दिखाई देता है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पर हम इस डिसीज़ को, सिकल सेल अनीमिया को डिटेल में वहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज हंटिंगसन्स डिसीज, हंटिंगसन्स, क्या बोलते हैं, सो हंटिंगटन्स, टन्स है, हंटिंगटन्स कोरिया, ये है डिसीज, इसका नाम है हंटिंगसन, हंटिंगटन्स कोरिया इन मैन। इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन होगा सफरिंग फ्रॉम मस्कुलर फेलियर, कि उसकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, मेंटल रिटार्डेशन, एंड फाइनली उसकी डेथ होती है। इसमें होता है द पर्सन सफर्स फ्रॉम मस्कुलर फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन, एंड फाइनली डेथ, और अंत में वो मर जाता है। तो इस तरह से जो डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं बच्चों, वो जिस भी पर्सन के अंदर जाएंगे होमोजेगस कंडीशन के अंदर, वो उसको किल कर सकता है। लेकिन जब हेट्रोजेगस कंडीशन होगी, ठीक है ना, हेट्रोजेगस कंडीशन में दे प्रोड्यूस सम डिफेक्टिव और एबनॉर्मल फिनोटाइप, क्या क्या कंडीशन करते हैं, बट डोमिनेंट लीथल जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूस डिफेक्टिव और एबनॉर्मल फिनोटाइप, कि जो फिनोटाइप वो दे रहे हैं जीन्स, वो नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल से हटके होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आता है लीथल जीन्स का, रिसेसिव लीथल जीन्स, नेक्स्ट है फिर हमारे पास सेकंड टाइप है रिसेसिव लीथल जीन्स। अब रिसेसिव से आप को एक बात तो समझ में आती होगी कि जब ये जीन्स प्रेजेंट होंगे, दे प्रोड्यूस यू कैन से लीथल इफेक्ट ओनली इन यू कैन से होमोजाइगस कंडीशन, लेकिन जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि तो हमारे पर लीथल जीन्स होंगे
कि द रिसेसिव लीथल जीन्स प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट, द रिसेसिव लीथल जीन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने इफेक्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। देयर हेटरोजाइगस आर नॉर्मल, देयर हेटरोजाइगस आर नॉर्मल। जैसे आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस में भी आपने देखा कि जो भी रिसेसिव करेक्टर होता है जब वो होमोजाइगस में होता है वो अपना इफेक्ट और अपना एक्सप्रेशन तभी दिखाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो रिसेसिव लीथल जीन्स है आर कैरिड इन हेटरोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव लीथल जीन्स आर कैरिड, क्योंकि ये कैरी हो सकते हैं किस कंडीशन में, हेटरोजाइगस कंडीशन, कैरिड इन हेटरोजाइगस कंडीशन। और जब हेटरोजाइगस है तो नॉर्मल होगा, और जब नॉर्मल होगा तो ये आगे कैरी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, हम स्टडी कर सकते हैं, एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, इसको बोलते हैं टे सेक्स डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? टे सेक्स डिसीज भी बोल सकते हैं इसको, टी ए वाई टे एस ए एच सेक्स डिसीज। अब ये क्या है? देखिए बच्चों, इसमें होता है कि जो एक्यूमुलेशन होता है फैट का, वो नर्व शीथ सेल्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, और जब नर्व शीथ की सेल के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो नर्व का कंडक्शन जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो पर्सन होगा उसका पुअर कंट्रोल होगा और उसकी मेंटल डेफिशिएंसी उसके पास होगी, ठीक है ना। तो इस डिसीज में क्या होता है, नॉर्मली एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स अंडर कौन सी शीत बोली मैंने, दैट इज नर्व शीथ्स, अंडर नर्व शीथ कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक शीत होती है, ठीक है, उसके अंडर क्या होगा, फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। एंड हैम्पर्स ट्रांसफर ऑफ शीथ, एंड हैम्पर्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जो नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन अब प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना। विच लीडिंग टू पुअर मस्कुलर कंट्रोल, विच लीड्स टू पुअर मस्कुलर कंट्रोल, कि मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, एंड मेंटल डेफिशिएंसी अकर्स, एंड मेंटल डेफिशिएंसी, इसको बोलते हैं टे सेक्स डिसीज। दूसरा है फिर हमारे पास हाइड्रोसिफेली, सिफेली वर्ड जहां भी आए हेड से रिलेटेड होता है और ब्रेन से रिलेटेड होता है, मीन्स इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ स्कल एंड ब्रेन। क्या होगा? इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ स्कल एंड ब्रेन, कि जो ब्रेन है और जो स्कल है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं करता, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यू कैन से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड,
एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोसिफेली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एल्बिनिज्म इन कॉर्न। नेक्स्ट एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल एल्बिनिज्म इन कॉर्न। कॉर्न होता है बच्चों मक्का, और मक्के के जो दाने हैं उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वो खत्म हो जाता है, वो इस पर्टिकुलर जीन के कारण, लीथल जीन इन कॉर्न, लीथल जीन इन कॉर्न। कि जब हम ये देखते हैं कि जो नॉन क्लोरोफिल प्लांट्स होते हैं, द नॉन क्लोरोफिल प्लांट, अब जब वो नॉन क्लोरोफिल हो गए हैं उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, आर यू कैन सी यूज टू मैन्युफैक्चर देयर फूड आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। कि अब एल्बिनिज्म से क्या हुआ है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं रहा, क्लोरोफिल का कलर ही चेंज हो गया, अब उससे क्या होगा, लाइट ट्रैप कर नहीं पाएगा तो फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पर पहले से स्टोर्ड फूड होगा ग्रेन्स में वो उसी को कंज्यूम कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म इन कॉर्न। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड विल डाई सून एंड विल डाई सून, और बहुत जल्दी वो प्लांट मर भी जाता है। एज स्टोर्ड फूड इन ग्रेन हैज एज स्टोर्ड फूड इन ग्रेन हैज कंज्यूम हैज बीन कंज्यूम। कि जितना ग्रेन के अंदर फूड होगा वो जैसे कंज्यूम होगा तो ये प्लांट कैसे होते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारे पास रिसेसिव लीथल जीन्स। और लास्ट अब पढ़ते हैं कंडीशनल लीथल जीन्स। नेक्स्ट है थर्ड टाइप कंडीशनल लीथल जीन्स। देखो जब भी कंडीशनल की बात आएगी इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे जीन्स होंगे कि ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मीन्स द जीन्स विच मे बी नॉर्मल टू द इंडिविजुअल, द जीन्स विच मे बी नॉर्मल टू इंडिविजुअल, कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या है, नॉर्मल है। ठीक है ना, इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में तो वो क्या है, नॉर्मली एक्ट करते हैं, एंड मे यू कैन से प्रूव टू बी यू कैन से लीथल एंड मे प्रूव टू बी लीथल, लेकिन वो हार्मफुल हो जाते हैं। कब, व्हेन एनवायरमेंट इज चेंज्ड, व्हेन एनवायरमेंट मे बी चेंज्ड, कि जब उनका एनवायरमेंट क्या हो जाए, बदल दिया जाए। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल लीथल जीन्स।
तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम पोल्ट्री में देखते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल यू कैन से इन पोल्ट्री ए रिसेसिव जीन काजेज फेदर्स टू ब्रेक ऑफ। इन पोल्ट्री ए रिसेसिव जीन काजेज, जो फैदर होते हैं ना हैन के ऊपर या चिकन्स के ऊपर, उनको वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। फैदर्स टू काजेज फैदर्स टू ब्रेक ऑफ, कि उस जीन के कारण क्या हुआ है कि उनके जो फैदर्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि जो चिकन्स हैं अगर होमोजेगस कंडीशन हो तो कैसे हो जाएंगे, वो फैदरलेस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फैदरलेस। द चिकन्स, द चिकन होमोजेगस फॉर दिस जीन, द चिकन होमोजेगस फॉर दिस जीन, कि जिस चिकन के अंदर ये जीन होमोजेगस कंडीशन में आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो फैदर लेस हो जाएगा, आर फैदरलेस। उनके पास पंख नहीं रहेंगे अब, ठीक है ना। इफ दीज आर यू कैन से केप्ट इन रिलेटिवली वार्म एनवायरमेंट, अगर हम इनको क्या करें वार्म एनवायरमेंट में रख दें, इफ दीज आर केप्ट इन वार्म एनवायरमेंट, अगर इनको वार्म एनवायरमेंट में रखा जाता है, दे सर्वाइव। तो क्या करते हैं ये, दे सर्वाइव, कि हाँ तो ये नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव। बट इफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो ऑप्टिमम, बट इफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो ऑप्टिमम, बिलो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि जितना उनको गर्माहट चाहिए, जितनी उनको टेम्परेचर चाहिए, उससे भी अगर कम हो जाता है, द फैदरलेस चिकन डाई, द फैदरलेस चिकन डाई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हेटरोजेगस कंडीशन है उसमें नॉर्मल है, लेकिन उनके जो पंख हैं जो चिकन्स के जो फैदर्स होते हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन अगर वो होमोजेगस कंडीशन में हो तो वो पूरा का पूरा जो है ना या चिकन है वो कैसा हो जाएगा, वो फैदरलेस हो जाएगा। फिर वो टेम्परेचर हम कंडीशन देखते हैं कि कहाँ वो सर्वाइव करता है और कहाँ वो मर जाता है। अगर वार्म टेम्परेचर है तो वो सर्वाइव करेगा, अगर वो टेम्परेचर लो कर दिया जाता ऑप्टिमम से तो वो फैदरलेस चिकन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही क्यू नोट की जो डिस्कवरी थी, इसको भी नोट करेंगे, यू कैन से आफ्टर और सून आफ्टर द यू कैन से क्यू नोट्स डिस्कवरी, सून आफ्टर क्यू नोट्स डिस्कवरी, ठीक है ना। डिस्कवरी क्या थी कि जो क्यू नोट था उसने एक लीथल जीन डिस्कवर किया था माइस के अंदर, जो उसकी जान लेने का कारण वहां पर बनता है, ठीक है ना। यू कैन से इन माउस, माउस के अंदर इसका काम था, तो एक साइंटिस्ट और आया, इसको बोलते हैं ईबोर, इन 1907 ई बोर इन 1907 इसने भी रिपोर्ट किया इन लीथल जीन्स को, रिपोर्टेड लीथल जीन इन स्नैप ड्रैगन, इज रिपोर्टेड लीथल जीन इन स्नैप ड्रैगन, जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं एंटी हरिनम मेजस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर भी उसने लीथल जीन्स यहाँ पर स्टडी किया। फिर एक और हम आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, थैलेसेमिया मेजर जिसको बोलते हैं, थैलेसेमिया
मेजर, ये भी एक डिसऑर्डर है बच्चों, थैलेसेमिया, जो हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिलेटेड होता है। मेजर इज आल्सो वन ऑफ द यू कैन से बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीथल जीन, ठीक है ना। लीथल जीन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, लीथल जीन्स। और अगर हम डिसीज की बात करें, दिस डिसीज ऑफ ह्यूमंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय यू कैन से सीवियर अनेमिया, दिस डिसीज ऑफ ह्यूमंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर अनेमिया। जैसे मैंने बोला कि थैलेसेमिया का मतलब क्या है, कि थैलेसेमिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज है, इसलिए उन लोगों में सीवियर अनेमिया हो जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, उनका हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है ना, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, एंड लेग अल्सर्स एटसेट्रा, एंड लेग अल्सर्स, टांगों पे क्या हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी। तो ये था बच्चों हमारे पास लीथल जीन्स के बारे में। अब इससे नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, तो था अब तक हमने स्टडी किया कि जो जीन इंट्रैक्शन हम पढ़ते हैं, विच आर यू कैन से डिस्कवर्ड बाय द यू कैन से मेंडल्स वर्क, ठीक है ना, जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, जिसमें हमने को डोमिनेंस पढ़ा, जिसमें हमने मल्टीपल अलील्स पढ़े, और लास्ट में हमने लीथल जीन्स पढ़े। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जीन्स इंट्रैक्ट करते हैं, और इंट्रैक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर फिनोटाइप चाहे वो डिफरेंट दे रहे हैं, तो इन दिस वे ये करेक्टर्स पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं, एंड सम ऑफ देम आर गुड एंड सम आर यू कैन से लीथल जीन्स आर नॉट गुड, दे कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, और अगले लेक्चर में हम नॉन अलीलिक या जो इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस हैं उसमें एपिस्टेसिस और यू कैन से सप्लीमेंट्री जीन्स और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।